महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को खुश करने के लिए कुछ ऐसी बात कह दी जिसके कारण उनकी किरकिरी हो गई। शरद पवार को खुश करने के लिए उन्होंने कह दिया कि कम विधायकों के बावजूद सरकार बनाने की कला उन्होंने पवार साहब से सीखी है। हालांकि उन्होंने ये बात एनसीपी प्रमुख के पक्ष में कही, लेकिन इसके दूसरे पहलू को लेकर उनके साथ साथ पवार की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। कम विधायकों के बावजूद सरकार बनाने की कला का मतलब तोड़फोड़ की राजनीति है। सियासत में कभी भी ऐसे गठबंधन को नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता है। विपक्षी पार्टियां इसी आधार पर भाजपा की आलोचना करती रहती हैं। गोवा में बनने वाली भाजपा की सरकार हो या फिर मणिपुर में भाजपा की सरकार, हर जगह पर कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों ने भाजपा की आलोचना की है। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी भाजपा के ऊपर लगाया। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद जब कांग्रेस को इन राज्यों में सरकार बनाने का मौका नहीं मिला था, तो इसने भाजपा के ऊपर विधायकों की खरीद फरोख्त की राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने यही बात शरद पवार के लिए कह दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को राजनीति का महारथी साबित करने के लिए ऐसी बात कही, लेकिन इसका अर्थ तो उल्टा ही पड़ गया। दरअसल महाराष्ट्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसके ऊपर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तंज किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। अब उद्धव ठाकरे को किसी भी तरह फडणवीस का जवाब देना था, इसीलिए उन्होंने शरद पवार के बारे में ऐसी बात कह दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने हमें सिखाया है कि कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए और विधानसभा में कम विधायकों के साथ सरकार कैसे बनाई जाए, लेकिन उनका बयान शरद पवार पर ही भारी पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा परिवार इन दिनों आश्चर्यजनक तरीके से सक्रिय है। एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा, दोनों इस अंदाज से सियासत कर रहे हैं मानो देश में सियासी कयामत करीब हो। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से मात खाने वाले राहुल गांधी का वो जख्म आज तक हरा है, इसलिए वे उसी अंदाज में पीएम मोदी पर लगातार हमला कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर और एनपीआर को लेकर पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने विवादास्पद ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि संघ का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें असम के एक डिटेंशन सेंटर का जिक्र है। असल में पीएम मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा था कि कांग्रेस डिटेंशन सेंटर को लेकर बुरी नीयत से झूठ फैला रही है। उसी बयान पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से पीएम मोदी को आरएसएस का पीएम कहा है वह विवादास्पद है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश का प्रधानमंत्री है, किसी संस्था या पार्टी का नहीं। वे जितना बीजेपी के पीएम है उतना ही कांग्रेस के भी, जितना किसी नागरिक के पीएम है उतना ही राहुल गांधी के भी। लेकिन राहुल गांधी को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। अगर राहुल गांधी खुद को देश से अलग मानते हैं तो ये उनकी समस्या है, लेकिन देश के पीएम को सिर्फ संघ या किसी पार्टी का पीएम कहना बेहद आपत्तिजनक है। असल में पीएम मोदी ने अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने को लेकर दिल्ली बीजेपी की तरफ से आयोजित धन्यवाद रैली में मोदी ने कांग्रेस पर डिटेंशन सेंटर को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। पीएम ने कहा था कि अब जो भी भ्रम में है मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन लियो द्वारा उड़ाई जा रही डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ हैं, बद इरादे वाली हैं, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी हैं। ये झूठ है, झूठ है और झूठ है। राहुल गांधी ने इसी बात को लेकर ताजा ट्वीट किया जिसमें उनके इरादे साफ हैं कि वे फिर सीधा पीएम पर विवादास्पद तरीके से हमला करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी में बवाल शुरू हो गया है। पार्टी के उपाध्यक्ष और विधायक राम कुमार गौतम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के साथ दुष्यंत चौटाला पर तीखे तीर चलाए हैं। दुष्यंत चौटाला पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि दुष्यंत को ये नहीं भूलना चाहिए कि विधायकों की बदौलत ही वे डिप्टी सीएम बने हैं।
असल में रामकुमार गौतम मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा हैं और इसी वजह से उन्होंने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ पार्टी में मोर्चा खोल दिया है। गौतम ने कहा कि पार्टी के अधिकतर नेताओं की जानकारी के बिना बीजेपी के साथ समझौता हुआ है। मैं बहुत दुखी हूं कि उन लोगों ने एम्बियंस मॉल में गठबंधन को लेकर बातचीत की थी और जब हमें इसका पता चला तो हमें बहुत बुरा लगा। जनता को दुख पहुंचा और विधायकों को भी दुख हुआ। चंद चौटाला पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उसने कहा था कि हम लोगों को 3 महीने परखेगा, तुम होते कौन हो हमें परखने वाले। गौतम ने कहा कि डिप्टी सीएम ने 11 विभाग अपने पास रखे हैं और सिर्फ एक विधायक को महत्वहीन विभाग का जूनियर मंत्री बनाया। दुष्यंत सत्ता में आने के बाद परिवार को भूल गए। असल में रामकुमार गौतम के मंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नाराज गौतम ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन दुष्यंत और उसके पिता अजय चौटाला ने कहा कि मैं उनके साथ आऊं। वे जानते थे कि कैप्टन अभिमन्यु को मैं ही हरा सकता हूं। गौतम ने कहा कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पार्टी छोड़ने से विधायकी जाएगी और वे विधायक बने रहना चाहते हैं। संशोधित नागरिकता कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की अगुवाई वाले नेताओं को आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने खरी खरी सुनाई। उन्होंने साफ कहा कि भीड़ को हिंसा के लिए भड़काना लीडरशिप नहीं है। पूरे देश के तमाम राहुल गांधियों, ओवैसियों, ममता बनर्जियों, प्रियंका वाड्राओं की तरफ से भीड़ की अगुवाई की जा रही है, उन्हें भड़काया जा रहा है। ऐसे विपक्षी नेताओं पर जनरल रावत की ये टिप्पणी मायने रखती है। जनरल रावत ने विपक्षी नेताओं के आचरण और गैर जिम्मेदाराना रवैये की आलोचना तो की ही, उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होने वाले छात्रों पर भी सवाल उठाए। जनरल रावत ने कहा, नेता वे नहीं होते जो लोगों को गलत दिशा में ले जाएं, जैसा कि हम देख रहे हैं। बड़ी संख्या में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कोई लीडरशिप नहीं है। देश में हो रही हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने चिंता जताई थी। पीएम ने सीएए के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुए हिंसक प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा था कि यूपी में कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की। वे खुद से ये सवाल पूछें कि क्या उनका ये रास्ता सही था? जो कुछ जलाया गया क्या उनके बच्चों के काम नहीं आने वाला था? पीएम मोदी ने कहा कि हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो लोग जख्मी हुए, उनके परिवार पर क्या बीती होगी? मैं अफवाहों में आकर सरकारी संपत्ति को तोड़ने वालों से आग्रह करूंगा कि सार्वजनिक संपत्ति को बचाकर रखना उनकी भी जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब बीजेपी छोड़कर पूर्व सांसद सावित्री बाई फुले कांग्रेस में गईं, तब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गंगा की सैर पर जब प्रियंका वाड्रा निकली, तब सावित्री बाई फुले को खास तौर पर उनके साथ लगाया गया। लेकिन मार्च से दिसंबर नहीं बीता कि सावित्री बाई फुले का कांग्रेस में दम घुटने लगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब वे अपनी नई पार्टी बनाएंगी। एक तरफ प्रियंका वाड्रा यूपी में दलित वोटरों को फिर से कांग्रेस के साथ जोड़ना चाहती हैं और दूसरी तरफ पार्टी के दलित नेता उनसे संभल नहीं पा रहे हैं। आखिर इतनी जल्दी सावित्री बाई फुले को पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? क्या कांग्रेस में दलित नेताओं की कोई पूछ नहीं है, या फिर यूपी की सियासत में प्रियंका वाड्रा अपने पांव जमा नहीं पा रही हैं? बीजेपी से सावित्री बाई ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि बीजेपी के शासनकाल में बहुजन समाज का कोई भला नहीं हुआ। जब तक भारत का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होगा, तब तक बहुजन समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस में भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। असल में प्रियंका वाड्रा की दिलचस्पी यूपी में भीम आर्मी में है। उन्हें लगता है कि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दलित एकजुट होंगे और इसका उन्हें फायदा होगा, क्योंकि प्रियंका वाड्रा चंद्रशेखर से मिल भी चुकी हैं और दोनों के बीच संबंध भी बेहतर हैं। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक ट्वीट कर राहुल गांधी बुरी तरह से फंसे तो उनके बचाव में 3 महीने तिहाड़ की हवा खाकर लौटे पी चिदम्बरम सामने आए। असल में बीजेपी ने राहुल गांधी के ट्वीट के बाद 2011 में यूपीए सरकार की तरफ से जारी प्रेस नोट को सामने रख दिया।
प्रदेश में 3 डिटेंशन सेंटर असम में खोले गए हैं। जब राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया तब चिदंबरम सामने आए और कहने लगे कि हमारा एनपीआर इस एनपीआर से बेहतर था। चिदंबरम ने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के पास एक बड़ा और भयावह एजेंडा है। यही कारण है कि ये बीजेपी 2010 के एनपीआर और उसके टेक्स्ट से बहुत अलग और खतरनाक है। असल में जब बीजेपी ने यूपीए सरकार की पोल खोलकर सामने रख दी तब कांग्रेस और चिदंबरम के सामने सिर्फ गाल बजाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसलिए चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि मुझे खुशी है कि बीजेपी ने 2010 में एनपीआर के लॉन्च का वीडियो क्लिप जारी किया है। कृपया वीडियो को सुने, हम देश के निवासियों की गणना कर रहे हैं। जोर रेजिडेंसी पर था न कि नागरिकता पर। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सामान्य नागरिक को अपने धर्म या जन्म से बेपरवाह होना चाहिए। एनपीआर ने 2011 की जनगणना की तैयारी का समर्थन किया, इसमें एनआरसी का उल्लेख है ही नहीं। चिदंबरम की मंशा साफ है, कांग्रेस का इरादा जनगणना के काम में बाधा डालने का है, इसलिए 2011 और 2019 की तुलना कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और चिदंबरम के भ्रम फैलाने भर से काम बनता नहीं दिखता, क्योंकि देश की जनता ये समझ चुकी है कि कांग्रेस के असली इरादे क्या हैं। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध करना ममता दीदी और उनके मंत्रियों को भारी पड़ रहा है। बांग्लादेश को ये विरोध पसंद नहीं आ रहा, इसके कारण पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी को बांग्लादेश आने के लिए वीजा नहीं दे रही हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने बांग्लादेश के ऊपर वीजा नहीं मिलने का आरोप लगाया है। सिद्दीकुल्ला ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी यात्रा के बारे में 5 दिसंबर को जानकारी दे दी थी और 8 दिसंबर को इसकी मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार से बांग्लादेश जाने की इजाजत मांगी। केंद्र सरकार ने भी 13 दिसंबर को इसकी मंजूरी दे दी। इसके बाद अपने सेक्रेटरी की मदद से वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। मेरा स्टाफ 3 बार वीजा कार्यालय गया था लेकिन वीजा नहीं दिया गया। चौधरी ने बांग्लादेश जाने के कारण के बारे में कहा, ढाका में रहने वाला मेरा कजिन कैंसर से पीड़ित है। सिलहट में एक रिश्तेदार की हाल ही में मौत हो गई है। मुझे सिलहट में एक मदरसे के शताब्दी समारोह के लिए भी आमंत्रित किया गया था। मैं वहाँ अपनी पत्नी, बेटी और नातिन के साथ जाने वाला था। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन को इसके बारे में सारी जानकारी दे दी गई थी लेकिन फिर भी वीजा नहीं दिया गया, जिसके कारण मैं बांग्लादेश नहीं जा सका और यात्रा रद्द करनी पड़ी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून और एनआरसी का जोरदार विरोध किया है। मुस्लिम नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी इस विरोध में बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने कई जगह इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन बांग्लादेश की सरकार को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध करें। इससे भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए बांग्लादेश की सरकार ने सिद्दीकुल्ला चौधरी के वीजा को लटकाए रखा ताकि वहां जाने के बाद कोई परेशानी न खड़ी कर दें। एक तरफ कांग्रेस के नेता और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हिंसक प्रदर्शन का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ बोलने वालों पर तंज कसते हैं। कांग्रेस और ओवैसी का दोहरा चरित्र सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के बयान के बाद सामने आया। दरअसल दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि वे नेता नहीं हैं जो लोगों को गलत दिशा में ले जाएं। उन्होंने कहा, हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में छात्र कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों से निकलकर आगजनी और हिंसा करने के लिए लोगों और भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं। हिंसा भड़काना नेतृत्व करना नहीं है। नेतृत्व क्षमता वो नहीं जो लोगों को गलत दिशा में ले जाती हो। हालांकि सेना प्रमुख ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर राजनीति हो, लेकिन कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सेना प्रमुख के बयान के ऊपर तंज कसते हुए कहा, नेता वे नहीं हैं जो लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। सेनाध्यक्ष ने नागरिकता प्रदर्शन को लेकर कहा, मैं जनरल साहिब की बात से इत्तफाक रखता हूँ, लेकिन नेता वे भी नहीं होते जो अपने अनुयायियों को सांप्रदायिक आधार पर नरसंहार के लिए भड़काएं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं जनरल साहब?
दिग्विजय सिंह के साथ साथ हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सेना प्रमुख को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा, अपने कार्यालय के प्रभाव क्षेत्र को भी समझ लेना नेतृत्व है। ये नेतृत्व नागरिक की सर्वोच्चता को समझने के बारे में और जिस संस्था के प्रमुख आप हैं उसकी गरिमा को ठीक तरह से जानना भी है। इन दोनों का बयान इनके दोहरे चरित्र को दिखाता है। इन दोनों नेताओं ने राजनीतिक गरिमा को तार तार कर दिया। अगर कोई हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर तंज कस के एक तरह से आप हिंसा का समर्थन और हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह और ओवैसी ने ऐसा ही किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द घूम रही है। सत्ता की गद्दी पर जैसे उद्धव ठाकरे विराजमान हुए, मानो पुत्र मोह और परिवार में फंस गए। सीएम बनते ही उद्धव ने सबसे पहले अपने भांजे को बिना किसी ओहदे के अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए भेज दिया। मामले पर खूब हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, ठाकरे महाराष्ट्र की जनता की सुरक्षा छोड़ अपने सुपुत्र आदित्य ठाकरे की सुरक्षा बढ़वाने में लगे रहे। अब उद्धव ठाकरे ने एक नया फरमान जारी किया। महाराष्ट्र में मंत्रियों के कैबिन में अब आदित्य ठाकरे की फोटो लगने जा रही है। इस मामले पर शिवसेना के नेताओं का तर्क है कि महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का स्थान काफी ऊंचा है, इसलिए एकनाथ शिंदे और इसके अलावा जो भी नए मंत्री शपथ लेंगे उनके ऑफिस में ठाकरे परिवार के तीनों सदस्यों के फोटो लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बिना किसी मंत्री बने उद्धव ठाकरे के बेटे का ओहदा भी महाराष्ट्र सरकार में सबसे ऊंचा रहेगा। जानकारी के मुताबिक सरकार की पॉलिसी डिसीजन में उनकी भूमिका निर्णायक रहेगी। अब ये तो होना ही था। वैसे भी सोनिया गांधी और शरद पवार सरकार में शामिल ही इसलिए हुए हैं ताकि अपनों का भला कर सकें। ऐसे में उद्धव ठाकरे कैसे पीछे रह सकते हैं, उनके भी बेटे का सवाल है, तो शिव सैनिकों के बीच भगवान जैसा ओहदा होना तो चाहिए ना। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में फ्रंट फुट पर सियासत की और कहा कि विपक्षी पार्टियां लोगों में भ्रम फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि CAA पर ये पार्टियां लोगों को भटका रही हैं और देश की राजधानी दिल्ली का माहौल खराब कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में अशांति के पीछे कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। DDA के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने टुकड़े टुकड़े गैंग को सबक सिखाने का वक्त आ गया कहा। अमित शाह ने जब ये कहा तो दिल्ली में उत्पात मचाने वालों की अब खैर नहीं। उन्होंने कहा कि जब संसद में CAB पर बहस हो रही थी तब किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही कानून बना उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कांग्रेस की ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। CAA के खिलाफ दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद, दयालपुर इलाके में विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। इसके पहले PM मोदी ने भी हिंसक प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। अमित शाह ने ये भी कहा कि दिल्ली में इस बार BJP की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जैसे ही विदेश दौरे से वापस लौटे, मानो कोई बड़ी जड़ी बूटी लेकर आए हों। उनकी भाषा दो कौड़ी के नेताओं जैसी हो गई है। उनके बयान से तो ऐसा लग रहा है जैसे BJP और PM मोदी ने उन्हें देश से निकालने का प्लान बना लिया है और डिटेंशन सेंटर में उन्हें ही भेजा जाएगा। PM मोदी पर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिस पर BJP आग बबूला हो गई है। BJP ने राहुल गांधी के बयान के लिए जमकर क्लास लगाई है। BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के उस बयान पर हमला बोला जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि RSS के प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी से अच्छी भाषा की अपेक्षा करना ये बहुत ज्यादा अपेक्षा करना है। उन्होंने राहुल गांधी को झूठों का सरदार बताया। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस अभी तक इस चिंता में है कि ये चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया, जबकि प्रधानमंत्री तो प्रथम परिवार के व्यक्ति को ही बनना था। झूठों के सरदार से आज मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज आप देश से फिर माफी मांगेंगे। किसी भी विषय पर राहुल गांधी जी का कोई ज्ञान नहीं है और हर विषय पर टांग अड़ाना है। इसका मकसद न CAA का है और न ही NPR का है। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का PM मोदी पर बयान पहली बार नहीं है,
कि खुद राहुल गांधी की मम्मी सोनिया गांधी भी पीएम को लेकर कई बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुकी हैं और मामला बढ़ने पर राहुल गांधी झुककर पीएम से माफी मांग लेते हैं।